हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कृष्णा स्टोरी चैनल। तो एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में एक नया वीडियो के साथ वेलकम है। तो आज का जो हमारा वीडियो है, हम आप लोगों को आज 5 अमेजिंग वीडियो ट्रांजिशन इफेक्ट क्रिएट करना बताएंगे। कैसे आप लोग ये 5 वीडियो ट्रांजिशन इफेक्ट अपने वीडियो में लगाकर अपने वीडियो को और भी अमेजिंग बना सकते हैं। तो इस वीडियो को आइए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने दावनसी रिजाल में। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो इफेक्ट्स है वो है लाइट इफेक्ट्स। तो हमको अपने वीडियो क्लिप को दो अपने टाइमलाइन पर रख लेना है, जैसा कि हम यहाँ पे रखे हुए देख सकते हैं। यहाँ पे अपने क्लिप को यहाँ पे इस तरीके से आपको रख लेना है। और तो यहाँ पे जो कट पॉइंट है, यहीं पे हमको ये लाइट इफेक्ट्स लगाना है। तो हमको आना इफेक्ट्स मेनू में और यहाँ पे देखिए ये इफेक्ट्स, आपको इफेक्ट्स मेनू में आना है। यहाँ से एडजस्टमेंट क्लिप को ड्रैग करके लेकर आ जाना अपने टाइमलाइन के ऊपर। इस तरीके से आपको अपने टाइमलाइन के ऊपर इसको रख लेना है। अब हम यहाँ से इफेक्ट्स मेनू को बंद कर देंगे। अब बंद करने के बाद हमको यहाँ से 2 फ्रेम या 3 फ्रेम आपको नेक्स्ट आना है। तो हम यहाँ पे 2-3 फ्रेम नेक्स्ट आ जाएंगे अपने एरो की से। और इसके बाद ये जो आगे का पार्ट है, इसको हम कंट्रोल बी से कट कर देंगे और इसको हम बैक स्पेस से रिमूव कर देंगे। उसी तरीके से हम फिर यहाँ पर आएंगे, फिर हमको बैक 2-3 फ्रेम पीछे जाना है। तो 1, 2, 3, 4 हम 4 फ्रेम आ गए पीछे। अब यहाँ से हमको फिर कंट्रोल बी से कट कर देना है। अब यहाँ से हम बैक स्पेस से इसको रिमूव कर देंगे। अब रिमूव करने के बाद ये जो एडजस्टमेंट क्लिप है, इसको हमको सेलेक्ट कर लेना है। अब सेलेक्ट करने के बाद हमको आना है यहाँ पे कलर टैब में। ये है कलर टैब, इस पर आना है आपको। अब कलर टैब में आने के बाद देखिए, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो हमारे एडजस्टमेंट लेयर है, यहाँ पर ये सिलेक्टेड है रेड कलर से, आपको देख सकते हैं। अब आपको आना है यहाँ पर कलर टैब में, यहाँ पर देखेंगे ये है गेन। आपको गेन को यहाँ पर इंक्रीज करना है। ये जो टैब देख रहे हैं, इसको आपको रोटेट करना है इस तरीके से। आपको जितना लाइट्स यहाँ पर देना होगा, इस तरीके से इसको इंक्रीज कर लेंगे। जितना आपको देना हो इंक्रीज कर सकते हैं, आप जितना चाहें इसको कम बेसी कर सकते हैं। इस तरीके से भी कर सकते हैं और इसको लाइट्स भी बढ़ा सकते हैं। तो हम मान लीजिए इतना हम अपने क्लिप्स में लाइट देना चाहते हैं, तो इस तरीके से लाइट्स को बढ़ा लेंगे। अब हम आएंगे फिर से एडिट मेनू में। यहाँ आने के बाद हम प्ले करेंगे। अब तो देखेंगे इस तरीके से ये इफेक्ट क्रिएट हो गया है। अब हमको ये जो दोनों पॉइंट है, इसको और जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। इस दोनों पॉइंट को इस तरीके से स्मूथ कर देना है। अब हम फिर से प्ले करेंगे दोबारा, तो थोड़ा सा जूम आउट कर लेंगे हम। अब प्ले करते हैं फिर से दोबारा, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये इफेक्ट क्रिएट हो गया है। तो आप लोग इस तरीके से ये इफेक्ट लाइट इफेक्ट्स लगा सकते हैं। तो अब देखिए हमारा जो सेकंड इफेक्ट है वो है बर्न अवे इफेक्ट्स। तो इसके लिए हमको अपने टाइम लाइन पर देखिए, यहाँ पर हम 2 क्लिप्स को रखे हुए हैं और इन 2 क्लिप्स के यहाँ पर जो कट पॉइंट है, यहीं पर इस इफेक्ट को हमको अप्लाई करना है। तो हम आएंगे इफेक्ट्स मेनू में और यहाँ पर आपको आना है वीडियो ट्रांजेक्शन में और यहाँ पे सर्च करना आपको बर्न अवे। यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे बर्न अवे, तो ये बर्न अवे। अब इसको हमको ड्रैग करके लेकर आना है अपने दोनों क्लिप्स के बीचों बीच। तो दोनों के बीच भी हम लेकर आ जाएंगे यहाँ पे। अब इसको हम यहाँ से बंद कर लेंगे और इसको जूम कर लेते हैं। अब ये जो इफेक्ट है, हमको इसको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम आएंगे स्पेक्टर मेनू में और देखिए ये है इफेक्ट्स बर्न अवे, आपको यहाँ पर आना है। उसके बाद जो ये मोशन है, ये डायरेक्शनल है, इसको हम क्लिक करके इसको कर देंगे हॉट स्पॉट्स। इसको हॉट स्पॉट करने के बाद ये जो रैंडमाइज हॉट स्पॉट है, इस पर हमको क्लिक कर देना है। इस पर जब क्लिक कर देंगे, अब हमको नीचे आ जाना है। इसके नीचे आएंगे हम, तो अब थोड़ा सा हम इसको प्ले कर दिखाते हैं आप लोगों को। अब हम इसको देखिए, अब ये हमारा इफेक्ट इस तरीके से ये अप्लाई होगा, देख सकते हैं यहाँ पर हल्का सा भी थोड़ा सा रेंडर होने में टाइम लगा। अब यहाँ पर इफेक्ट अप्लाई हो गया है। अब हमको करना क्या है, नीचे आएंगे हम, ये जो बर्न है आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं इसको अपने अनुसार। और बर्न में जो ब्राइटनेस है थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे और ग्लो ब्राइटनेस को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे आप। और ये जो ग्लो स्पीड है, आप इसको भी कम बेसी करके देख सकते हैं। और इसी तरीके से ये जो बर्न है, आप यहाँ से कम बेसी इस तरीके से करके आप अपने अनुसार इसको सेट कर सकते हैं। तो हम इसको इतना ही रखेंगे फिलहाल। अब हम इसको प्ले करेंगे इस तरीके से, तो देखेंगे ये इफेक्ट इस तरीके से अप्लाई होगा। अब हम यहाँ से प्ले कर लेते हैं पहले, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये इफेक्ट भी हमारा, ये बर्न अवे इफेक्ट अप्लाई हो गया है। तो इस तरीके से आप लोग ये इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं अपने वीडियो पे। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट 4th नंबर इफेक्ट है, वो है इन्वर्ट कलर इफेक्ट। जैसा कि आप लोग नाम से ही समझ पा रहे हैं, निगेटिव टाइप का इफेक्ट हम इसको बोल सकते हैं, इन्वर्ट कलर इफेक्ट को। तो जैसे कभी आप लोग मूवी या सॉन्ग्स में देखते होंगे जो ब्लैक एंड व्हाइट टाइप के जो इफेक्ट आते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्ट टाइप इफेक्ट। तो इस इफेक्ट को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे अपने वीडियो के टाइमलाइन में, तो आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पे 2 क्लिप्स को अपने टाइमलाइन पे ओपन कर लेना है और जहाँ से ये कट पॉइंट है, इसी दोनों के बीच में अप्लाई करना है हमको इस इफेक्ट को, यानी कि इन्वर्ट कलर इफेक्ट को। ये जो फर्स्ट वाली जो टाइमलाइन है,
इसकी हमें डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, तो हम ऑल्ट को होल्ड करके रखेंगे और इसको माउस के साथ ऊपर ड्रैग करेंगे, तो यहाँ से देखेंगे एक डुप्लीकेट कॉपी इसकी क्रिएट हो जाएगी। अब इसके बाद ये जो ऊपर टाइमलाइन है इसको सेलेक्ट करके रखना है हमको और कंट्रोल आर प्रेस करना है। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो ये जो 100% है यहाँ पे देख सकते हैं। अब यह जो एरो की इस पर क्लिक करेंगे और चेंज स्पीड पर हमको क्लिक करना है, यहाँ से हम कर देंगे इसको 800। तो इस तरीके से ये टाइमलाइन छोटी हो जाएगी और इसका स्पीड जो है फास्ट हो जाएगा। अब हमको इसको लेकर आ जाना है यहाँ पे जो कट पॉइंट है, यहाँ पे लेकर आने के बाद अब हम आएंगे इफेक्ट्स मेनू में और यहाँ हमको आना है ओपन इफेक्ट्स। ये ओपन इफेक्ट्स देख सकते हैं यहाँ पे और ऊपर सर्च का नाम को इन्वर्ट, तो हम टाइप करेंगे इन्वर्ट, ये इन्वर्ट कलर यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको हमको ड्रैग करके अपने टाइमलाइन के ऊपर रख देना, ऊपर वाली टाइमलाइन के ऊपर इस तरीके से हम इसको रख देंगे ऊपर। अब इसको हम बंद कर देंगे, अब हम थोड़ा सा जूम कर लेंगे यहाँ से, अब इसको हम प्ले करते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे ये इन्वर्ट कलर टाइप इफेक्ट्स यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अगर ये आपको ज़्यादा लंबा लग रहा हो तो आपको इसको कंट्रोल बी के साथ कट कर देना है कंट्रोल बी से और पीछे का पार्ट्स को बैक स्पेस से हटा देंगे, फिर इसको हम ड्रैग कर देंगे यहाँ पे। अब प्ले करेंगे फिर से दोबारा। तो इस तरीके से आप लोग ये इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं अपने वीडियो के टाइमलाइन में। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट जो इफेक्ट्स है वो है ग्लो इफेक्ट्स। तो इस इफेक्ट्स को हमको अप्लाई करने के लिए जैसे मान लीजिए कोई आपके पास क्लिप होगी, कोई फेस या अन्य जगह पे आपको लाइट्स देना होगा, इस इफेक्ट्स को आपको अप्लाई करना होगा। तो देखिए हमारे पास एक टाइमलाइंस पे एक क्लिप है, इस क्लिप से हमको इस इफेक्ट्स को अप्लाई करना है। तो आप देखेंगे हमको मान लीजिए इस फेस पे ग्लो देना है, हम इसको प्ले करके देख लेते हैं पहले। उसके बाद हमको आना है कलर टाइप में, यह कलर टाइप यहाँ आने के बाद आपको आना है ऊपर, यहाँ पे इफेक्ट्स को ओपन करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सर्च में ये जो सर्च है यहाँ पर टाइप करना है ग्लो, आपको ग्लो टाइप कर, ये ग्लो। अब इसको हमको ड्रैग करके अपने नोट्स के ऊपर छोड़ देना है। अब इसको ऊपर लगाने के बाद हमको आना राइट साइड में यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे जो साइन थ्रेशोल्ड है इसको कर देना आपको बिल्कुल जीरो और जो स्प्रेड है शेप एंड स्प्रेड इसको भी कर देना जीरो। तो इस तरीके से यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा। आप यहाँ से इसको बंद करके चालू करके देख सकते हैं इस तरीके से। आप चाहें तो नीचे आएंगे और ये जो कंपोजिट टाइप है अगर कम करना हो इसको ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ से सॉफ्ट लाइट कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे सॉफ्ट लाइट ऐड हो जाएगा, फिर यहाँ से आप बंद करके देख सकते हैं कम बेसी। फिर इसी तरीके से जो कलर फिल्टर है आप यहाँ पे दूसरे कलर का भी फिल्टर लगा सकते हैं, इस पर हमको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जिस टाइप से यहाँ पे फिल्टर देना हो इस तरीके से देखेंगे यहाँ पे चेंज कलर होगा, देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप लोग इस तरीके से फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं ग्लो में, तो आपको जिस तरीके का अप्लाई करना हो इस तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए हमको यहाँ पर रेड कलर का ग्लो देना है तो हम यहाँ पर रेड कलर पर ले जाएंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब हमारे यहाँ पे इफेक्ट ये अप्लाई हो जाएगा। अब हम आएंगे एडिट मेनू में, इसको प्ले करके देख सकते हैं हम। तो इस तरीके से आप लोग ग्लो इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जो सबसे लास्ट इफेक्ट है हमारा प्रिज्म ब्लर इफेक्ट्स। प्रिज्म ब्लर इफेक्ट्स के माध्यम से आप लोग अपने क्लिप्स में यानी वीडियो क्लिप्स में एक RGB इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस इफेक्ट्स को हम। तो हमको सबसे पहले आना अपने टाइमलाइंस के ऊपर यहाँ पे। अब हम आएंगे यहाँ पे इफेक्ट्स मेनू में, यहाँ पे हमको देखिए इस तरीके से आपको आना ओपन इफेक्ट्स में, यहाँ पे टाइप करना ऊपर सर्च में। अब हमको यहाँ पे टाइप करना है प्रिज्म ब्लर। अब जब टाइप करेंगे प्रिज्म ब्लर तो यहाँ पे देख सकते हैं इफेक्ट यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इसको हम अप्लाई करेंगे अपने टाइमलाइन के ऊपर। अब इसको हम अप्लाई करने के बाद इफेक्ट्स को यहाँ से बंद कर लेंगे और हम यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे इसकी साइज को। अब हमको आना है राइट साइड में यहाँ पे इंस्पेक्टर मेनू में। अब देखिए ये प्रिज्म ब्लर यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है इसकी, तो जो ये जो ब्लर स्ट्रेंथ है इसको हम बिल्कुल जीरो करेंगे यहाँ पे फिलहाल, और ये जो ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस है इसको हम अपने क्लिप्स के अनुसार इसको बढ़ा के हम चेक करेंगे कितना हमको रखना है कितना नहीं। तो इस तरीके से देखेंगे हम इसको घटा बढ़ा के। अब ये जो ऑब्जर्वेशन स्ट्रेंथ है इसको भी हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं कितना हमको रखना है कितना नहीं रखना है। अब ये देखिए मैग्नेट साइज है, आप इसको इंक्रीज करेंगे तो जो चारों तरफ का जो कॉर्नर है इस तरीके से ब्लैक एंड ब्लैक हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको इस तरीके का इफेक्ट चाहिए तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये शार्पन आप देख सकते हैं, ये ग्लोबल ब्लेंड है, आप ब्लेंड को यहाँ से कम बेसी इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इस इफेक्ट को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब हम इसको प्ले करते हैं। अब देखिए इसका एक और तरीका अप्लाई करने का, तो हम यहाँ से इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे हम। अब हमको आना है यहाँ पर कलर टाइप में, यहाँ पर आने के बाद हमको यहाँ पर इस जो नोट्स है इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है यानी कि एक सीरियल नोट्स। तो हम यहाँ पे अल्ट के साथ एस प्रेस करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे एक नोट्स क्रिएट हो जाएगा। अब हमको आना है यहाँ पे इफेक्ट्स मेनू में, इफेक्ट्स अगर आपका यहाँ से क्लोज होगा तो आपको इस पर क्लिक करना है, इस तरीके से ये ऑन हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर टाइप करना है प्रिज्म,
तो प्रिज्म ब्लर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया। अब इसको हमको पकड़ के इस नोट्स के ऊपर अप्लाई कर देना है। जब इस पर अप्लाई करेंगे आप, अब हमको यहाँ पे आना है, देखिए ये जो नीचे कॉर्नर में यहाँ पे बाएं साइड में, इस पर क्लिक करना है। अब हमको यहाँ पे ऑन करना है पावर विंडोज। इस पर क्लिक करने के बाद हम आएंगे यहाँ पे विंडोज में, और ये देखिए जो राउंड जो शेप है इसको हमको लेना है यहाँ पे। अब हमको जहाँ मतलब कि जहाँ तक अपने मतलब कि फेस पे अगर वो इस RGB कलर मोड को अप्लाई नहीं करना है, तो इस तरीके से हम इसको खींच के ड्रैग करके बड़ा कर लेंगे यहाँ से इसको भी इस तरीके से। और अगर आपको सॉफ्ट रखना है तो सॉफ्ट कर सकते हैं बिल्कुल, और इसको इस तरीके से आप कम बेसी करके देख सकते हैं। अब जब यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे आप नोट्स के ऊपर भी यहाँ पे आप चेंजिंग देख सकते हैं। इस तरीके से आपको कितना रखना है कितना नहीं रखना है, इस तरीके से आप इसको घुमा के चारों तरफ देख सकते हैं। आप जहाँ रखना चाहें उसको रख सकते हैं। अब हम नीचे आएंगे यहाँ से, ये जो पावर विंडो में यहाँ से इसको हम इन्वर्ट कर देंगे। इन्वर्ट करने के बाद ये जो इफेक्ट्स है ये फेस पे अप्लाई नहीं होगा, हमको ये जो चारों तरफ अप्लाई करना है। तो इन्वर्ट कर लेंगे पावर विंडोज को। अब हम आएंगे यहाँ पे इंस्टेंस प्रिज्म ब्लर के सेटिंग्स में, यहाँ से हम इसको जीरो करेंगे। अब यहाँ से एवरेजन जो डिस्टेंस है इसको हम इस तरीके से इंक्रीज करेंगे, और यहाँ से स्ट्रेंथ को भी इस तरीके से हम बढ़ा लेंगे, और बिगनेट साइज को भी अगर आपको बढ़ाना हो तो बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, अगर नहीं बढ़ाना चाहे तो नहीं भी बढ़ा सकते हैं आप लोग। इस तरीके से हम इस सेटिंग को देख लेंगे। अब यहाँ से हम पावर विंडो को बंद कर देंगे। अब हम इसको प्ले करेंगे अपने क्लिप्स को, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। अब हम आएंगे इसको बंद कर लेते हैं, यहाँ से आते हैं एडिट पेज में। अब यहाँ से हम इसको प्ले करके देखेंगे, तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे ये इफेक्ट अप्लाई हो गया है प्रिज्म ब्लर इफेक्ट्स। तो आप लोग इस इफेक्ट को भी अपने वीडियो क्लिप में यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये हमारी जानकारी कैसी लगी, अगर जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और साथ में कमेंट करना ना भूलें। हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।